नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर एक बार मेरे YouTube चैनल टेक्निकल टीचर पर। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे साला दर्पण स्टाफ लॉगिन पर हमारी जो बेसिक प्रोफाइल है हमें किस प्रकार से अपडेट किया जाना है, क्योंकि अगर आप अपना ट्रांसफर का आवेदन करना चाहते हैं तो उससे पहले आपकी प्रोफाइल अपडेट होना आवश्यक है। इसलिए आप ध्यान रखें कि आप अपने ट्रांसफर के आवेदन से पूर्व अपनी प्रोफाइल को अपडेट किस प्रकार से करेंगे, इसकी समस्त जानकारी मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। आप इस वीडियो को पूरा देखें। तो आइए दोस्तों शुरू करें। सब्सक्राइब करें टेक्निकल टीचर को समस्त तकनीकी जानकारी के लिए और बेल आइकन में ऑल बटन को प्रेस करें, जिससे आने वाली हर एक नई वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। अपनी प्रोफाइल अपडेट करने के लिए सबसे पहले आपको साला दर्पण स्टाफ लॉगिन टाइप करना है गूगल क्रोम में, और टाइप करने के बाद में सबसे ऊपर जो वेबसाइट आपको दिखाई दे उस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। अगर आपको लॉगिन का ऑप्शन नहीं आता है तो राइट साइड में सबसे ऊपर जो आपको होम बटन दिखाई दे रहा है, इसके साइड में आपको यहाँ पर आपको स्टाफ लॉगिन का ऑप्शन दिखाई देगा। उस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये इंटरफेस दिखाई देगा। इसमें आप अपने स्टाफ लॉगिन की जो आईडी है, पासवर्ड है और आपको जो कैप्चा दिखाई दे रहा है, ये सब फिल करने के बाद में लॉगिन बटन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे अब आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। इसमें आपको अप्लाई बटन जो दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करना है। जैसे आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे आपको कुछ ऑप्शन इसमें दिखाई देंगे। इनमें अप्लाई फॉर ट्रांसफर का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर आप क्लिक करें। अब इसमें आपको सबसे ऊपर दिखाई देगा स्टाफ पर्सनल डिटेल, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे अब आपको कुछ इस तरीके का ऑप्शन दिखाई दे सकता है। हो सकता है कि दोस्तों आपको ये ऑप्शन फर्स्ट में भी दिखाई दे, उस समय आपको एडवांस बटन पे क्लिक करना है। एडवांस पे क्लिक करने के बाद में प्रोसीड टू राजशाला दर्पण का जो आपको नीचे दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। इसमें आपको कार्मिक का व्यक्तिगत विवरण दिखाई देगा, क्रम संख्या, परिवार के सदस्य का नाम, कर्मचारी से संबंध, लिंग, व्यवसाय, वैवाहिक स्थिति, जन्म तिथि, यदि दिव्यांग है तो दिव्यांग का प्रकार, दिव्यांग का प्रतिशत, मेडिकल बोर्ड के प्रमाण पत्र के अनुसार मेडिकल बोर्ड प्रमाण पत्र जारी करने की दिनांक, यदि असाध्य बीमारियों से पीड़ित है असाध्य बीमारी का नाम, मेडिकल बोर्ड प्रमाण पत्र जारी करने की दिनांक और एक्शन। अब दोस्तों इसमें सबसे बड़ा आपको ध्यान रखना है कि अगर आप ट्रांसफर के लिए आवेदन करना चाहते हैं और आपके बालक बालिका या फिर आप पति पत्नी या फिर आप स्वयं कर्मचारी अगर किसी दिव्यांगता से ग्रसित है तो आपको दिव्यांगता की जो जानकारी है वो इसमें भी आपको कंपलसरी फिल करनी है। इसके अलावा अगर आप किसी असाध्य बीमारियों से पीड़ित हैं जिनका विवरण आप जब ट्रांसफर एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे उसमें आप देंगे, उससे पहले आपको अपने दिव्यांगता और असाध्य बीमारियों से संबंधित आप और आपके परिवार की जो सभी डिटेल है वो आपको इसमें फिल करना कंपलसरी है। आप अपने सभी डिटेल को फिल करें, उसके बाद में आपको यहाँ पर जो डिलीट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसके जगह पर आपको सेव का ऑप्शन दिखाई देगा। आप सेव बटन पे क्लिक करें। और दोस्तों इसी प्रकार से आपके सभी फैमिली मेंबर की एक एक करके आपको जो सभी डिटेल है वो आपको सेव कर देनी है। फैमिली मेंबर की डिटेल के बाद में अब आपको सेकेंड ऑप्शन में दिखाई देगा कार्मिक स्थायी निवास का पता। अब आपको अपना जो स्थायी निवास है उसका एड्रेस आपको यहाँ फिल करना है। राज्य में आप राज्य का चयन करें, उसके बाद में जिले का चयन करना है, उसके बाद में आपके ब्लॉक का चयन करना है, ग्राम पंचायत का चयन करना है, आपका जो राजस्व ग्राम है उसका चयन करें, आपको अपना पिन कोड सबमिट करना है, आपका जो पता है, आपका जो लोकल एड्रेस है, गली मोहल्ला जो भी आपका है वो आपको यहाँ फिल करना है। इसके बाद में आपका जो स्थायी निवास पर जो आपका विधानसभा क्षेत्र है उसका आप चयन करें। इसके बाद में आपका जो लोकसभा क्षेत्र है उसका आप चयन करें। आपके वर्तमान जो पता है वो आपको इससे नीचे फिल करना है। स्थायी निवास के बाद में कार्मिक के वर्तमान निवास का जो पता है वो आपको सेम उसी प्रकार से और आपका चयन कर लेना है। आपके राज्य, आपके जिला, ब्लॉक, ग्राम पंचायत, ग्राम, इनका सबका आपको चयन करना है। उसके बाद पिन कोड आपको फिल कर देना है। आपका जो गली मोहल्ला है उसका एड्रेस, आपका विधानसभा और आपका जो लोकल, आपका जो लोकसभा क्षेत्र है जहां पर आप वर्तमान में निवास कर रहे हैं, इन सभी की डिटेल आपको फिल करते हुए फाइनल सबमिट का जो ऑप्शन आपको इसमें दिखाई दे रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से आप साला दर्पण स्टाफ लॉगिन में
ट्रांसफर का आवेदन करने से पूर्व आपकी जो बेसिक डिटेल है उनको आप किस प्रकार से सबमिट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ट्रांसफर का एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहते हैं तो उससे पहले आप मेरी वीडियो है ट्रांसफर फॉर्म किस प्रकार से आप अप्लाई करेंगे, उसमें समस्त जानकारी मैंने दी हुई है। आप कोई गलती नहीं करें इसलिए आप अपने फॉर्म को भरने से पहले उस वीडियो की सहायता अवश्य लें। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन है, आपके कोई सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और दोस्तों, ट्रांसफर से रिलेटेड जो भी वीडियो है उन सभी का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उनकी सहायता ले सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करें। अगर आपको चैनल पर दी जाने वाली जानकारी अच्छी लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन में ऑल का चयन करें, जिससे कि जब भी कोई नई वीडियो मैं अपलोड करूं उसका सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसी किसी महत्वपूर्ण वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय महाभारती।